तालाब चल रही है और इनसे हम सुझाव ले रहे हैं कि आज किसान, क्योंकि ये एक साल तक दिल्ली के तीनों तरफ बैठे रहे, जो तीन कृषि कानून मौजूदा सरकार लेके आई थी उसके विरोध में, उन्होंने कहा ये किसानों के हित में नहीं है, और एक साल के बाद स्वयं सरकार ने मंजूर माना कि ये किसान के हित में नहीं और उनको वापस लिया। तो इनसे बात हमने पूछी थी भी आफ्टर क्या क्या चीज़ें हैं, तो इन्होंने अपनी बातें बताई हैं कि हमारी ये समस्या है, ये उनका समाधान होना चाहिए, चाहे वो डेप्ट रिलीफ हो, चाहे MSP हो, इस प्रकार से हर मुद्दे पे चर्चा हुई हमें। और किसान जो किसानों के साथ जो खेती मजदूर हैं उनके बारे में भी बात हुई, तो सारी बातें हुई हैं। और ये हम जो है ड्राफ्ट पेपर उदयपुर में लेंगे और फाइनल ड्राफ्ट वहाँ बनाया जाएगा कि वहाँ पे उसके ऊपर चर्चा होगी, ये विषय लेके हम जाएंगे। कल वर्किंग कमेटी में भी यही चर्चा थी, तो हमने अपना जो है बुलेट पॉइंट्स वहाँ बताए थे, अब पूरे विस्तार से चर्चा वहाँ उदयपुर में होगी। आतंकी हमले हो रहे हैं मोहाली पुलिस स्टेशन में, आतंकी हमला जो ब्लास्ट हुआ है सर, अगर सरकार की बात करें तो सरकार कह रही कि छोटा सा ब्लास्ट था, कैसे देखते हैं इसको? ब्लास्ट तो ब्लास्ट ही, छोटा बड़ा नहीं है, तो पूरा इसके ऊपर नियंत्रण करना चाहिए और कोई भी आतंकवादी हो उनके ऊपर पूरा हो शिकंजा कसना चाहिए। जो उदयपुर में सिविल हो रहा कांग्रेस का, उसमें जो हमारे को जिम्मेवारी दी है ड्राफ्ट लेटर बनाने के लिए, डिस्कशन के लिए, किसान और उसके साथ संबंधित जितने भी हैं थे वो मजदूर के मजदूरों के लिए, उस संदर्भ में सारे किसान नेताओं से बात की है कि ये एक साल तक यहाँ बैठे रहे, उनकी अपनी समस्याएं हैं, क्या समाधान है, उस बारे में चर्चा हुई है, ताकि हम अपने वहाँ ड्राफ्ट को अपना करें और वहाँ चर्चा करें और फिर फाइनल ड्राफ्ट बना लें। उनके सुझाए हुए इश्यूज को आप इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने जो? हाँ, जो जो किसान के हित की बात होगी वो जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। सर, इसके अलावा बुलडोजर पॉलिटिक्स पर कुछ बोलना चाहेंगे? बुलडोजर से जो है वो अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, काफ़ी लोग विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, अतिक्रमण तो अतिक्रमण है, लेकिन इस तरह जबरदस्ती नहीं किया जाता, तरीके हैं उसके, उसी तरह करना चाहिए। थैंक यू।